वेलकम बैक। यूपीएससी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो हम लोग चला रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनसे खास रिक्वेस्ट है कि समय पे ज्वाइन कर लिया करें, जिससे उनको कोई क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट न करना पड़े या उसको दोबारा मेहनत न करना पड़े हमें। तो ये टेस्ट सीरीज हमारा खुद के द्वारा बनाया हुआ है, मेरे द्वारा, प्रीसा आईएएस के द्वारा, और इसकी गारंटी है कि 2000 क्वेश्चन का जो बैंक 20 से मिलेगा, 20 टेस्ट सीरीज से मिलेगा, उसमें से 30-35 क्वेश्चन आने की गारंटी है। तो आप हमारा क्वेश्चन का लेवल देखिए जो बिल्कुल यूपीएससी का एट पार है और इसमें किसी भी तरीके से जो है कहीं कोई जो है शंका नहीं है कि इसका लेवल जो है यूपीएससी से कम है, ऐसी कोई डाउट नहीं है। अब आप क्वेश्चन पे सीधे सीधे आइए। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो हम बताते हैं कि उसके बाद पहला लाइन पढ़ने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे, तो पहला लाइन पढ़िए, उसके बाद ये मत पढ़िए एग्जाम में, उसके बाद सीधे पहुँच जाइए कि आगे कह क्या रहा है। आगे कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो आपका दिमाग जो है करेक्ट ऑप्शन में चला जाएगा। अगर लिखा रहता है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, तब आप नेगेटिव आपका दिमाग में चला जाता है कि जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर यहाँ आते हैं, तब तक वो थेरेपी गलत हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ स्टेटमेंट घूमता है, बाद में यहाँ छोटा सा एक चीज दे देगा विच वन इज नॉट करेक्ट। तो इस चीज को आप जो है वो कर देंगे, ओवरलुक कर देंगे। तो आप कृपा करके जो मैं तरीका बताता हूँ कि पहला ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िए, उसके बाद सीधे आ जाइए नीचे की क्या पूछ रहा है, क्लियर है कि विच वन इज नॉट करेक्ट या विच वन इज नॉट करेक्ट या विच वन इज करेक्ट। तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, सॉरी विच वन इज करेक्ट, नॉट नहीं है। तो अब आप पढ़िए इसको, अब आपको छांटना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, फिर उसके बाद सोचिए कि ये सही है कि गलत है, उसके बाद दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, और उस पर मंथन मत करिए। ये देख लीजिए कि पहले इसमें से कौन पढ़ने के साथ कि प्राइमा फैसाई आपको सही लगा या गलत लगा। पहला तो अगर आपको प्राइमा फैसाई सही लगा तो आप सही मान लीजिए, दूसरे को तो मान लीजिए लगा आपको गलत है तो गलत कर लीजिए, तीसरे पढ़ा आपने पहला फेस जो फील हुआ वो आपने कर लिया, उसके बाद फिर आप आंसर पे आइए, और आंसर पे आने के बाद उसमें से देखिए कि अरे तीन गलत है सपोज, तो वो करेक्ट नहीं है, तो जहां जहां तीन है उसको मान लीजिए कि वो तो खत्म ही हो गया कहानी उसकी, तीन यहाँ है ये तो खत्म हो गया भाई, क्योंकि तीन गलत था और यहाँ पे तीन है ये भी खत्म हो गया। अब आपकी लड़ाई सिर्फ जो है इसमें और इसमें रह गई, क्लियर है। तो उसके बाद आप एक चार होगा कि दो चार होगा, मतलब चार तो है भैया, अब और आसान हो गया, अब आपकी लड़ाई सिमट गई एक और दो में, तीन खत्म हुआ पहले, एलिमिनेटिंग जिसे कहते हैं एलिमिनेटिंग राउंड, तो पहले तीन खत्म हुआ, उसके बाद जो है आपका क्या खत्म हुआ, तीन के बाद चार, चार जो है होगा, मतलब चार तो सही है। अब प्रश्न यह है कि दो और एक में कौन सही है, तो दो और एक पे फोकस करिए, जिसको आप पहले क्या माने थे उसके हिसाब से जो है उसको देखिए। तो दो और एक में लड़ाई है कि कौन सही है, तो आपका काम कम हो गया ना, ये सब काम 10-5 सेकंड 20 सेकंड में हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करिएगा। तो क्या कह रहा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ऑर्डर ऑफ 1950 ओनली हिंदू सिख बुद्धिस्ट एंड पारसी रिलीजन इज रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल कास्ट, बिसाइड्स ओनली कन्वर्टेड क्रिश्चियन हु वेर अर्लियर शेड्यूल कास्ट कंटिन्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ बींग शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन। ये आपका ये सेंटेंस जो है सही लग रहा है, सही नहीं है, सही है या नहीं आप सोचिए। तो इसमें जो सारी चीजें ठीक है, लेकिन
यहाँ पे आके जो कह रहा है कि जो इन सब के अलावा केवल कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो पहले एससी थे बाद में उसमें आ गए उनको भी लाभ मिलता है, ये गलत हो गया। अगर जो एससी पहले एससी थे हिंदू में अगर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिए तो वो रिजर्वेशन के फायदे से बाहर निकल गए, खत्म, ठीक है। तो इसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी है, मुस्लिम लोग नहीं आते इसमें। इसलिए आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म में शेड्यूल कास्ट जो है नहीं है, ओबीसी है उसमें। तो ये कह रहा है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी जो है धर्म में शेड्यूल कास्ट जो है उसी को फायदा मिलता है, और इवन क्रिश्चियन में है, मुस्लिम में है नहीं मिलता है, या कन्वर्ट होके आया हो, पहले हिंदू था बाद में क्रिश्चियन हो गया तब भी नहीं मिलता। 1996 में कह रहा है कि देयर वॉज अ स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बट नॉट पास। सही सही बात है, पास नहीं हुआ। हैंस रिलीजन न्यूट्रल रिजर्वेशन इज फार अवे अप ड्रीम। तो रिलीजन को न्यूट्रल तटस्थ मानते हुए रिजर्वेशन जो है देश में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक यह है कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन बन गए तो उनको किस बात का हम दें, वो तो उनका जाति तो सुधर गई, क्रिश्चियन धर्म में जाति होती नहीं है, तो वो तो ऊंचे दर्जे में पहुंच गए। तीसरा कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हैविंग ऑप्शन दैट दलित क्रिश्चियन टू बी इंक्लूडेड इन रिजर्वेशन अलॉन्ग विद द सिमिलर ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा कोई उनका जो है उन्होंने मना कर दिया था, नेशनल कमीशन एससी ने कहा नहीं देंगे, कुछ नहीं, वो अपना धर्म छोड़ के चले गए तो चले गए, वो जहाँ उस धर्म में है जहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है। चौथा कह रहा है कि अलदाउ चेंजेज इन रिलीजन डज नॉट चेंज देयर स्टेटस इम्पेरिकली हेंस इट इज रेशनल टू कंसिडर देम अंडर एससी रिजर्वेशन, इट इज जस्ट इटोपिया नथिंग एल्स। कह रहा है कि सिर्फ कल्पना में रही है आप, ये सेंटेंस सही है, तो विच वन इज करेक्ट। अब इसके बाद ऑप्शन देख लीजिए, तो ओनली टू एंड फोर ये वाला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से तैयारी करिए और इस तरीके के टफ क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तब आपको अपनी असली औकात, असली स्टेटस पता चलेगा कि आप कितने पानी में आपकी तैयारी है। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में हल करेंगे तो क्या फ़ायदा है उससे, आप खुश हो जाएंगे कि साहब हमने 100 में 70 कर दिया। क्वेश्चन तो उस लायक होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा ना। तो हमसे जुड़िए, प्रिसाइयो से जुड़िए और टेस्ट सीरीज का एंजॉय करके यूपीएससी में सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच।